यूनाइटेड नेशंस में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की स्पीच के करीब एक घंटे के बाद इसराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में मिसाइलें दागी। इसमें 6 इमारतें पूरी तरह से ध्वस्त हो गई हैं। इनमें से एक हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर बताया जा रहा है। हमले में 6 लोगों की मौत हुई है और 100 लोग घायल हो गए। इसराइल डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने दावा किया है कि जहां हमला किया गया है वहां हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह मौजूद था, लेकिन अभी तक पता नहीं चल सका है कि वो मारा गया है कि नहीं। हिजबुल्लाह का मुख्यालय आबादी वाले इलाके के बीच बनाया गया था ताकि वहां पर हमला ना किया जा सके। 2 दिन पहले हिजबुल्लाह ने तेल अवीव में मोसाद के हेडक्वार्टर पर हमला किया था। इतिहास में पहली बार हिजबुल्लाह की मिसाइल तेल अवीव पहुंची थी। इसी का बदला इसराइल ने हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमला करके लिया है और उसी हमले की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त चल रही है। नसरल्लाह इज अ बैड एक्टर, इज अ टेररिस्ट, ही हैज द ब्लड ऑन हिज हैंड्स फॉर मेनी अमेरिकन्स, थाउजेंड्स ऑफ इजरायलीज, सो आई थिंक ही शुड बी पनिश्ड फॉर दैट। तो ये हम आपको हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर जो अटैक किया है मोसाद ने उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं और ये अटैक कितना भयंकर था आप सोचिए कि कई किलोमीटर दूर से ली गई तस्वीरों से पता चल रहा है कि धुएं का गुबार आसमान छू रहा है। तो आप सोचिए कि ये हमला कितना खतरनाक था। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त चल रही हैं, हमले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या नसरल्लाह बचकर निकल गया है, क्योंकि मोसाद का कहना है, IDF का ये कहना है कि वहाँ नसरल्लाह था, लेकिन उसकी मौत हुई है कि नहीं इस हमले में ये अभी कंफर्म नहीं किया गया है। 6 इमारतें जमींदोज हो गई हैं और धुएं का गुबार आसमान में फैला हुआ आपको दिख रहा है। लेबनन में जो हमले हुए हैं उसको लेकर कुछ और बड़ी जानकारी मेरे पास है, तारीख के हिसाब से वो मैं अब आपको स्क्रीन पर दिखाने जा रहा हूँ। 27 सितंबर 2024 को हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ, जो खबर हम आपको अभी दिखा रहे हैं उसकी तस्वीर भी दिखा रहे थे। 26 सितंबर 2024 बेरूत पर हमला हुआ, इसमें 5 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद आइए अगली तारीख है 25 सितंबर की, वहां पर बालबेक बेल पर हमला हुआ, 51 लोगों की मौत हो गई। और 24 तारीख को यहाँ हमला किया गया था, वो भी हमला हुआ था बेरूत में और उसमें भी मौत हुई थी। अगली तारीख 23 सितंबर की है, यहाँ भी 558 लोगों की मौत हो गई थी मिसाइल हमले में। और 22 सितंबर को मिसाइल हमला हुआ जिसमें 23 लोग घायल बताए गए, ये सूचना आई। 21 सितंबर को वही हुआ, मिसाइल हमला हुआ जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई। और 20 सितंबर को मिसाइल हमला हुआ जिसमें 45 लोगों की मौत हो गई। ये वो आंकड़े हैं जो हमले के बाद मौत हुई है, वो मैं आपको गिना रहा हूँ। 18 सितंबर को वॉकी टॉकी ब्लास्ट हुआ था, इसमें 27 लोगों की मौत हो गई है, आधे आपको वॉकी टॉकी अचानक से फटने लगे थे। और 17 सितंबर को पेजर ब्लास्ट हुआ था, पेजर पहले गर्म हुए, बीप बीप की आवाज़ हुई, फिर फट गया और 12 लोगों की उसमें मौत हो गई। इसराइल के हमले के बाद हिजबुल्लाह ने पलटवार किया है। लेबनन से हिजबुल्लाह ने इसराइल पर कई रॉकेट दागे। हिजबुल्लाह ने यह हमला नॉर्थ इसराइल में किया है, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि इसराइल ने हमले के बाद हिजबुल्लाह ने भी जो इसराइल ने हमला किया उसके बाद हिजबुल्लाह ने पलटवार किया है। लेबनन से हिजबुल्लाह ने इसराइल पर कई रॉकेट दागे हैं। हिजबुल्लाह ने यह हमला नॉर्थ इसराइल में किया है। और उसकी तस्वीरें भी आ गई हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, वो तस्वीरें चल रही हैं। हिजबुल्लाह ने इसराइल पर जो रॉकेट दागे हैं, हिजबुल्लाह का जो पलटवार है, इसराइल को जो निशाना बनाया है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये नॉर्थ इसराइल का इलाका है, यहीं पर हिजबुल्लाह ने अटैक किया है अपने हेडक्वार्टर पर अटैक करने के बाद। तो दोनों ओर से वार पलटवार चल रहे हैं, दोनों ओर से अटैक चल रहे हैं, संदेश देने की कोशिश हो रही है कि हम रुकने वाले नहीं हैं। हिजबुल्लाह का जो पलटवार हुआ है उसकी तस्वीर हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लगातार इसराइल पर जो मिसाइल रॉकेट दागे हैं रात के अंधेरे में, वो तस्वीर आप देख लीजिए। इसराइल में हमले से नुकसान भी काफ़ी हुआ है, घर आपको गिरे हुए दिख जाएंगे। और हिजबुल्लाह की और हमलों की धमकी भी है, वो कह रहा है कि ये हमले रुकेंगे नहीं, वो और हमले करेंगे। तो लगातार ये जो युद्ध है
वो और भयंकर होता जा रहा है, विध्वंसक होता जा रहा है, खतरनाक होता जा रहा है। जिसकी बानगी है ये तस्वीर, पहले हमला करता है इज़राइल लेबनन में हेडक्वार्टर पर हिजबुल्ला के, उसके बाद जो हिजबुल्ला है उसने नॉर्थ इज़राइल में जो पलटवार किया है, जो रॉकेट दागे हैं, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये दूसरी तस्वीर आ गई है, आप देख लीजिए कैसे रिहायशी इलाके के बीच में रॉकेट दाग कर जो टारगेट किया गया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। लेबनन के बेरूत में इज़राइल के हमले जारी हैं। दक्षिण बेरूत में इज़राइल के ताबड़तोड़ हमले हुए। इज़राइल की सेना का एक बड़ा बयान सामने आया है, हिजबुल्लाह पर हमले और तेज होंगे। इज़राइल ने यह कहा है, हिजबुल्लाह ने नागरिकों को निशाना बनाया है। इज़राइल ने यह कहा है कि क्योंकि हिजबुल्लाह ने नागरिकों को निशाना बनाया है तो ये हमले आने वाले दिनों में और ज़्यादा तेज़ होंगे। इज़राइल के सेना का ये बयान मैं आपको बता रहा हूँ। दक्षिण बेरूत में इज़राइल के ताबड़तोड़ हमले हुए हैं, उसके बाद ये कहा गया इज़राइल की ओर से कि अभी हमले और होंगे, ये हमले रुकेंगे नहीं। लेबनन के बेरूत में इज़राइल के हमले लगातार जारी हैं। दक्षिणी बेरूत में इज़राइल के ताबड़तोड़ हमले हुए हैं और सेना ने बड़ा बयान दिया कि ये हमले और तेज होते जाएंगे। नागरिकों को निशाना भी बनाया गया, इसलिए ये हमले होते रहेंगे। एक और बड़ी खबर है, इज़राइल दक्षिणी लेबनन पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक कर रहा है। इज़राइल लेबनन के उन रिहायशी इलाकों को भी निशाना बना रहा है जहां हिजबुल्लाह के आतंकियों ने हथियार छिपाकर रखे हैं, जहां उनका ऑर्डिनेंस डिपो है। इजरायली आर्मी हिजबुल्लाह के आतंकी ठिकानों पर चुन चुन कर बम बरसा रही है, जिसमें उसके कमांडर मिट्टी में मिलते जा रहे हैं। इजरायल के हमले में हिजबुल्लाह कमांडर मोहम्मद अली इस्माइल ढेर कर दिया गया है। हिजबुल्लाह का डेप्यूटी कमांडर हुसैन अहमद इस्माइल मारा गया। हिजबुल्लाह का मिसाइल प्रमुख था मोहम्मद अली इस्माइल, दक्षिणी लेबनन में सक्रिय थे। मोहम्मद अली इस्माइल और हुसैन अहमद, इनको मार गिराया गया है इस अटैक में। ये बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है। लगातार हमले हो रहे हैं और इज़राइल टारगेट करके जो हिजबुल्लाह के कमांडर हैं उन पर हमले कर रहा है। मोहम्मद अली इस्माइल ढेर कर दिया गया है, डेप्यूटी कमांडर हुसैन अहमद इस्माइल भी मार दिया गया है। हिजबुल्लाह का मिसाइल प्रमुख था ये अली इस्माइल, दक्षिणी लेबनन में मोहम्मद अली इस्माइल और हुसैन अहमद सक्रिय। ये तस्वीर हम आपको उसी हमले के दिखा रहे हैं। इज़राइल ने दावा किया है कि इसमें कई कमांडर मारे गए हैं, क्योंकि ये मुख्यालय था और यहाँ पर हिजबुल्लाह के कई कमांडर हो सकते थे। हालांकि उसके चीफ का भी वहाँ होने की खबर आई थी, हालांकि यहाँ अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है ना हिजबुल्लाह की ओर से और ना ही IDF ने कहा है कि वहाँ पर नसरुल्लाह मर गया है इस हमले में। लेकिन ऐसी सूचना मिली थी कि नसरुल्लाह इसी हेडक्वार्टर में मौजूद था। इज़राइल के हमले के बाद ईरान की आपात बैठक हुई। लेबनन में हमले के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर की बैठक हुई। आयतुल्लाह अली खामनेई ने आपात बैठक बुलाई। राष्ट्रीय परिषद के साथ आयतुल्लाह अली खामनेई की बैठक हुई। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह को लेकर बैठक में चर्चा हुई है, क्योंकि जो इज़राइली डिफेंस फोर्स हैं उनके पास ये सूचना थी कि वो यहीं पर जहां हमला किया है उन्होंने लेबनन में वहीं पर था। अब बड़ी अपडेट ये है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खामनेई, उन्होंने आपात बैठक की है। राष्ट्रीय परिषद के साथ आयतुल्लाह अली खामनेई की बैठक हुई। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। इज़राइल हिजबुल्लाह युद्ध इराक ने बेरूत से आने जाने वाली अपनी सभी उड़ानें निलंबित कर दी हैं। इराकी एयरवेज के प्रवक्ता ने एक बयान में यह कहा कि लेबनन की राजधानी से आने जाने वाले सभी इराकी एयरवेज की उड़ानें बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण निलंबित कर दी गई हैं। यह भी बड़ा अपडेट सामने आया है कि लेबनन की राजधानी से आने जाने वाली सभी इराकी एयरवेज की जो उड़ानें हैं वो बिगड़ती हुई सुरक्षा स्थिति के कारण निलंबित कर दी गई हैं।
खुद इराकी एयरवेज के प्रवक्ता ने यह बयान दिया और बताया कि उड़ानों का निलंबन कर दिया गया है। इराक ने बेरूत से आने जाने वाली अपनी सभी जो उड़ानें हैं वो निलंबित कर दी।